महादेव का एक ऐसा मंदिर जो स्थित है गिर जंगल के मध्य में। महादेव का एक ऐसा मंदिर जो खुलता है सिर्फ साल में दो बार। आज इस वीडियो में करेंगे ऐसे महादेव के दर्शन जो भक्तों को दर्शन देते हैं साल में सिर्फ दो बार। पांडवों ने वनवास के दौरान तकरीबन 7 साल और 5 महीने यहाँ पर गुजारे हैं। पांडव जो शिव के उपासक थे वह कभी भी शिव की उपासना किए बगैर अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। इसी कारणवश उन्होंने इस भूमि पर अनेक प्राचीन शिवालयों की खोज की थी, जैसे कि रुद्रेश्वर महादेव, बाण गंगेश्वर महादेव, द्रोणेश्वर महादेव, कुशेश्वर महादेव, बथेश्वर महादेव, भीमचाय और ये पातलेश्वर महादेव। पातलेश्वर महादेव के दर्शन को आने वाले दर्शनार्थियों को बाबरिया चेक पोस्ट से परमिट निकाल के 7 किलोमीटर जंगल के सीमा में अंदर प्रवेश करना पड़ता है। क्योंकि ये मंदिर जंगल सीमा के अंदर आता है, इसीलिए आपको यहाँ पर फॉरेस्ट के नियमों का पालन करना पड़ता है। यह मंदिर भक्तजनों के लिए साल में सिर्फ दो बार ही खुलता है, सावन मास के दौरान पूरे 30 दिन और शिवरात्रि के दौरान 5 दिन, यानी कि पूरे साल में सिर्फ आप 35 दिन ही इनका दर्शन कर पाएंगे। पातलेश्वर महादेव एक शिव मंदिर है जो गढ़ड़ा से 16 किलोमीटर, तालाड़ा से 47 किलोमीटर, जामवाड़ा से 16 किलोमीटर, ऊना से 34 किलोमीटर, कोड़ीनार से 26 किलोमीटर और अगर आप आना चाहते हैं गिर सोमनाथ से तो इसकी दूरी है 60 किलोमीटर की। जय सोमनाथ। बधाई ने महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं। अत्यारे अमारी वच्चे आज सेवाभावी है, बधाई भक्तों ने भक्तगणों ने प्रसादी आपी रहा है, ये फराड़ જેને ફરાળ હોય એ ફરાળ કરી રહ્યા છે। શું નામ તમારું? કિશનભાઈ। ક્યાં ક્યાં હોય? ભાવનગર। ભાવનગર તમે કેટલા વર્ષથી હોય છે? 4-5 પેઢી। સરસ સરસ, દર વર્ષે આવો છો સેવા માટે? સરસ। આ આપણા પરિવારના સભ્યો છે? નાના ભાતે। અચ્છા, તમારું नेचर यहाँ पे ठुस ठुस के भरा हुआ है। आप किसी भी कोने पे यहाँ पे नजर करोगे तो आपको सिर्फ नजर आएगी यहाँ की खूबसूरती। त्र्यंबकम् यजाम हि सुगन्धिरम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वल्लभनाथे मूर्त्यं मूर्त्ययमानुकाम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हो हमारी चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।